जब आप ट्रेन में सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं तो आपको या तो ई टिकट मिलता है या फिर आपको आई टिकट मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ई टिकट और आई टिकट है क्या? आइए इस वीडियो से आपको समझाते हैं कि आखिर इन टिकट का क्या मतलब होता है। दरअसल ई टिकट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड टिकट होता है जिसे आप बिना काउंटर पर जाए ही घर बैठे भी बुक कर सकते हैं। बता दें कि ऐसे टिकट को इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन बुक किया जाता है और इसे रेलवे काउंटर टिकट के बराबर ही वैलिड माना जाता है। अगर आई टिकट की बात की जाए तो इसको रेलवे की तरफ से यात्री के एड्रेस पर कूरियर किया जाता है। इस टिकट को भी इंटरनेट के जरिए ही बुक किया जाता है। बता दें कि IRCTC की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होने के दौरान ही इस टिकट को दिए गए एड्रेस पर कूरियर कर दिया जाता है और इस टिकट को आने में करीब 48 घंटे का समय लग जाता है। अब आइए समझते हैं कि ई टिकट और आई टिकट में क्या अंतर है। ई टिकट को यात्री प्रिंट कराता है, वहीं आई टिकट को प्रिंट नहीं कराया जा सकता। आई टिकट को रेलवे कुरियर करता है तो वहीं ई टिकट आपको तुरंत मिल जाता है। आई टिकट में डिलीवरी चार्ज जुड़ा होता है जिसकी वजह से ये महंगा होता है, तो वहीं आई टिकट 2 दिन पहले बुक करना होता है और ई टिकट सेम डे बुक कर सकते हैं। ई टिकट में सीट बर्थ कन्फर्म या RAC होती है, वहीं आई टिकट में कन्फर्म, RAC या फिर वेटिंग तीनों कैटेगरी में सीट मिल सकती है।